बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का नाम कई सारे अभिनेताओं के साथ जुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बना रहा अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी जब बड़े पर्दे पर नजर आती थी तो लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उस दौर में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर ने मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। रेखा अकेली हो गई, फिर उनका नाम बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। अक्षय कुमार के साथ नजदीकियों को भी लेकर रेखा काफी ज्यादा लाइमलाइट बनी और इसके बाद कई सारे और अभिनेताओं के साथ रेखा का नाम जुड़ता रहा और वो सुर्खियों में बनती रही। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय आया था जब रेखा का नाम इमरान खान से जुड़ा था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान और रेखा के अफेयर के किस्से एक जमाने में काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने थे और उस दौरान इमरान खान और रेखा के अफेयर के चर्चे होते थे। अब क्रिकेट और बॉलीवुड का पुराना नाता तो रहा ही है, साथ ही राजनीति में भी बॉलीवुड का तालमेल देखने को मिलता ही रहता है। नीना गुप्ता से लेकर अनुष्का शर्मा तक कई नाकाम, कामयाब और रिलेशन की खबरों से लबरेज रहा है क्रिकेट बॉलीवुड का रिश्ता। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरें खूब देखने को मिली हैं। और इन्हीं में से एक थी वर्तमान पाकिस्तान प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की कहानी। वैसे तो इमरान का नाम कई एक्ट्रेसेस से जुड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि रेखा से करीब करीब उनकी शादी होने ही वाली थी, लेकिन आखिर में क्या हो गया कि रेखा की शादी इमरान खान से होते होते रह गई थी। उस जमाने की कई मीडिया रिपोर्ट्स में रेखा और इमरान खान के अफेयर के चर्चे होते थे। कहा जाता है कि रेखा और इमरान प्यार में पड़ गए थे। इतने नहीं, ऐसी भी खबरें थी कि रेखा की मां ने इस रिश्ते के लिए हां तक कर दी थी। 1985 के एक आर्टिकल में यह दावा किया गया था। इस पोस्ट के अनुसार भारतीय फिल्म पत्रिका मूवी में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान खान पूरे अप्रैल माह के लिए मुंबई में रुके थे। इस दौरान रेखा और इमरान के बीच में काफी मुलाकातें हुई। दोनों नाइट क्लब्स और समुद्र बीच पर देखे जाते थे। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मां का कहना था कि अगर रेखा के लिए कोई सही जीवन साथी है तो इमरान खान के अलावा कोई नहीं है। वह इस रिश्ते के लिए दिल्ली गई और एक ज्योतिषी से मिली। वह जानना चाहती थी कि क्या इमरान उनकी बेटी के लिए सही पार्टनर होंगे या नहीं। ज्योतिषी ने क्या कहा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ज्योतिषी के अनुसार रेखा की माँ मान चुकी थी कि इमरान का परिवार में जुड़ना अच्छा रहेगा। हालांकि एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था, मैंने रेखा के साथ ना भूल सकने वाला समय बिताया, लेकिन अब मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना होगा। मेरा किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से शादी करने का इरादा नहीं है। हालांकि रेखा ने इस रिलेशनशिप पर कभी भी कोई बयान नहीं दिया। इसी के साथ अगर रेखा के शादीशुदा जिंदगी की तरफ नजर डालें तो रेखा ने 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। हालांकि उनकी शादी साल भर भी नहीं टिक पाई थी और मुकेश ने शादी के 7 महीने बाद ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। वैसे रेखा बॉलीवुड की ऐसी एक और ये शादी टूट और इसके बाद रेखा का कई सारे लोगों के साथ नाम जुड़ा। आज भी रेखा अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लेकिन ये सिंदूर किसके लिए लगाती हैं ये भी एक चर्चा का विषय है।